न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दिल्ली में सीए को लेकर हुई हिंसा के बाद डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने मंडल में किया अलर्ट जारी, कहा संवेदनशील इलाकों में बरतें विशेष चौकसी। पश्चिमी यूपी का 50,000 का इनामी अपराधी देवेंद्र यादव चढ़ा गोरखपुर एसटीएफ के हत्थे, हत्या और हत्या के प्रयास सहित अन्य संगीन आपराधिक मामलों में था वांछित, तमंचा जिंदा कारतूस व खोखा भी बरामद। महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीआईजी रेंज ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक कॉरिडोर बनाने का दिया निर्देश। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के अंग्रेजी की परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए धराए 5 नकलची, 4,282 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। सुपारी लूट कांड के मुख्य अभियुक्त 20,000 के इनामी राजू खान को पड़हलगंज की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3.5 लाख की 20 बोरी लूट की सुपारी भी किया बरामद। बाल दुर्व्यापार मुक्त भारत के लिए राष्ट्रव्यापी जन संवाद कार्यक्रम में बोले डीआईजी, विडंबना ही है कि मानव ही मानव का करता है व्यापार। एसएसपी ने कहा, मानवीय संवेदना की है जरूरत, थाने से गांव स्तर तक जागरूक करेंगे हम लोग। कौवाबाग अंडरपास तथा उसके आसपास लगे एटीएम की सुरक्षा का एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ, किसानों की आय दुगनी करने तथा किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा। अंबेडकर चौक पर एसपी ट्रैफिक ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को ट्रैफिक के नियमों के प्रति किया जागरूक, कहा सुरक्षित यात्रा के लिए करें ट्रैफिक नियमों का पालन। छिटपुट बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, एडीएम एफआर ने कहा बारिश से जिले में कहीं नहीं हुए जनहानि, स्थिति सामान्य। जीडीए संयुक्त कर्मचारी संगठन की नई कार्यकारिणी के चुनाव में अरुण सिंह अध्यक्ष तो सिंहासन यादव चुने गए उपाध्यक्ष, मंत्री पद पर 10वीं बार निर्विरोध चुने गए उमेश चंद। नई कार्यकारिणी को जीडीए के उपाध्यक्ष अनुज सिंह ने दी शुभकामनाएं। और मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में 29 फरवरी व 1 मार्च को चंपा देवी पार्क में आयोजित होगा सद्भावना सम्मेलन, सतपाल जी महाराज के प्रवचनों का लाभ उठा सकेंगे श्रद्धालु।